गुड मॉर्निंग सारा बच्चों, आज हम लोग अपने म्यूजिक की क्लास में अपने स्तोत्र सुधा से पेज नंबर 36 लिंगाष्टकम इस श्लोक को करने जा रहे हैं। आप पहले श्लोक को मैं जैसे बोलूँगा बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही हारमोनियम पर उसको धुन बजाऊँगा, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही धुन बजाऊँगा, उस धुन पर आप रिपीट करेंगे। पहले आप ध्यान से सुनिए, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पेज नंबर 36 लिंगाष्टकम। बार बोला मैंने, उसके बाद धुन बजाया हारमोनियम पर। आप जहाँ पे मैं हारमोनियम की धुन बजाऊंगा वैसे ही आप रिपीट करिए, मैं जैसे बोलूंगा। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम। तत्प्रणमा
कनक महामणिभूषित लिंगम Thank you.
सर सुर गुरु सुर वर पूजित लिंगम शुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम शुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परम पदम परमात्मक लिंगम परम पदम परमात्मक लिंगम परम पदम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम बच्चों आपने ध्यान से सुना होगा और मैंने जैसे बोला आप इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपने ये कोशिश करना है कि इसको याद करें, जितना हो सके आप याद करने की कोशिश करिए। लिंगाष्टकम शंकर जी के लिए यह श्लोक आपको कभी भी कहीं भी बैठ करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान को आप अपने मन से भगवान के लिए अर्चन वंदन कर सकते हैं। तो आप इसको याद करिए, कोशिश करिए कि बिना देखे आपको याद हो जाए। थैंक यू बच्चों, आज इतने। अब अगली क्लास में हम स्तोत्र सुधा से आपको गणेश स्तोत्रम पेज नंबर 15 गणेश स्तोत्रम यह करेंगे हम लोग। अब गणेश चतुर्थी नज़दीक आने वाली है तो उसके लिए हम आपको एक दोस्त को गणेश जी के आपको सिखाएंगे और आज हम अपनी क्लास इतने में विराम करते हैं।